लाइव जी हम चले गए हैं, मेरे आगे पीछे बच्चे ना आई होन, ये मैं रोमा को बता रही थी कि लाइव कैसे जाना है इसके ऊपर। कलर देखें कौन कौन सा कलर है, फिल्टर बड़े लगे ब्लैक एंड वाइट। हेलो वो बाहर आ गई जे गाने वाली, मैं कहती पई सर रोमा नू आज आएगी ना। हेलो आई आ, लाइव नहीं शो हो रहा, हो गया लाइव ए लई है नी मैं शॉल उत्ते ऐ ते मेरिया ना अखा नू ही पैंदी पई, जे अखा नू पैंदी पई ये बुर सारी। चलें जी हम तो चले गए हैं लाइव इसके ऊपर, कैसे इसको बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लुकिंग वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम पलवशा जी, आंटी जी थोड़ा बहुत तो दिखाएंगी अपनी बेटी की वेडिंग का। जी जी बिल्कुल दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत जितना कि मेरी बेटी ने मुझे अलाउ किया। हाँ जी की करन लगे हो, कुछ नहीं अब्बू जी आए हैं बाहर, यू आर नाइस। हाँ जी नहीं अब्बू जी कपड़े बदल लो, कपड़े अच्छा बदल जी, अच्छा जी बदल लेते हैं बदले गए जी अब्बू जी भी उसी टोन में बोले हैं जिस टोन में, नहीं गर्मी बड़ी लगती पई है इहदे विच, एडा मैं कंबल ले लिया उत्ते दरी दी दरी, कपड़े भी नहीं सिले, कोई कपड़ा नहीं सिलिया, कुछ भी नहीं बनया। पाकिस्तान च तो फरे ऐतकी की हो गया दर्जियां नू, हैं कोई कपड़ा नहीं सिला, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही है बस। ये कल नई शॉल लेके आई थी मैं, क्या वो ब्लू वाली लावा तो ए वाली लेके जावा, पर क्या कहते हैं उसको ये ए गर्मी लगती पई है। हूँ वेडिंग ड्रेस क्या कह रहे हैं, चल मैं इसको इधर रखूं क्योंकि ना उधर मेरे को ना बाँह मेरी थक गई, हाय 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 बाँह थक गई जे। पलवशा जी आप मेरी प्यारी सी फ्रेंड हो अच्छा, मीरपुर आज़ाद कश्मीर कब आएंगी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पाकिस्तान में शादी करेंगे। नहीं जी पाकिस्तान में कैसे कर, पाकिस्तान जो साढ़े को शादी की कोई तैयारी नहीं हुई, तो पाकिस्तान जैसी शादी क्यों कर सकने हैं, हम तो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। उसके लिए ना आपका यहाँ रहना, आपके कनेक्शन होने, कोई हो जो आपके बिहाफ पे सारा कुछ संभाल ले, बड़ा ज़रूरी है। तो इतने तो बंदे ही कोई नहीं, तो किस तरह करना है असी। आई लव यू, यू योर बिग फैन, अच्छा जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, लव यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अबू जी का वीज़ा कब आएगा, अबू जी का वीज़ा कब बनेगा, हले बनता पिया, हले उन्हां दी मोर नहीं बनी जिहड़ी उहदे उत्ते लगनी है, तो बस फिर जब ये पलवशा जी अबू जी का वीज़ा कब बना। फायज़ा फ्रॉम नॉर्वे जी, आप जो भी हैं आपको मैंने एक दफ़ा वीज़े का बता दिया, और तुसी कॉपी पेस्ट कर करके मत ना ना मारी जाओ कमेंटा दी मुझे भी बहुत पसंद है, यो बिग फैन आंटी, थैंक यू जी थैंक यू। तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम वीडियो में लें प्लीज़ अस्मा। पलवशा जी आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, हेलो जी हेलो बेनिश फ्रॉम जॉर्डन, हमारा मीरपुर चक्कर ज़रूर लगाए। हाय बस किंज जाइए ना, मुश्किल तो बस यही है कि ना किधरे जाना होता है। मिस रोमा किधर है, मिस रोमा उधर है कमरे में, वो शायद वहाँ से कमेंट पढ़ रही है, बेटी की शादी कब है यूके पाकिस्तान। जी अभी तो टाइम है बेटी की शादी में, लेकिन मैं इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं ना आ सकती, तो मैनू सी कि मैं इतों जो शॉपिंग कर सकाँ तो वो मेरे वास्ते ठीक है, पर यहाँ पर भी आपका वही बात है कि साथ आपके कोई बंदा हो जिसको सारा पता हो,
ਤੇ ਆਪੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਫਿਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਜਦ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਗਏ ਔਰ ਇਤਨੇ ਮੁਝੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਵਹੀ ਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋਪਸ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਛੋੜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਛੋੜ ਦੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਥੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਨ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਉਹੀ ਸੂਟ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ 2-2 ਲੱਖ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਨਾ ਜੀ ਆਪਕੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਅਬ ਜੀ ਹਿਨਾ ਕੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਆਪਨੇ ਉਨਕੇ ਵਲੋਗਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਲੋ ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਵੀਟ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਔਰ ਹਿਨਾ ਕੇ ਘਰ ਰੋਮਾ ਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਵੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੇ ਬੱਚੇ ਉਨਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਉਧਰ ਔਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਕੀ ਤੋ ਬਸ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕੋ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਪਲਵਸ਼ਾ ਵੈਨ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਈ ਹਾਂ ਹੈ ਐਸਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਕਰਾ ਗਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰੀਹਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ ਬਿਗ ਫੈਨ ਤੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਔਰ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸੇਲੇ ਇਤਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਕੱਪੜੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਵਹਾਂ ਪਰ ਵੋ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸਸਤਾ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਹ ਹੀ ਲਾਹ ਦਿਓ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਦੀਆ ਸ਼ੇਖ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇਮ ਬਿਗ ਫੈਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਂਟੀ ਆਪ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਰਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਹਾਏ ਰਾਬੀ ਸੈਂਟਰ ਕਾ ਮੈਨੇ ਸੁਣਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਥਾ ਵਹਾਂ ਜਾਣੇ ਕਾ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿੰਜ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਗਈ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਹਮ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਅੱਛਾ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹੋਤੇ ਥੇ ਕਭੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਫਿਰੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਯਹਾਂ ਕਭੀ ਸਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਭੀ ਭਾਈ ਕੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਬ ਮੈਂ ਔਰ ਰੋਮਾ ਯਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਆ ਵਾ ਥਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਭਾਈਓਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਾਸ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਜਾਇਓ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਗਿਆ ਅੱਬੂ ਅਬ ਹਮੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਜਬ ਰੋਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਬੂ ਕਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਆ ਤੋ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਕੋ ਈਵਨ ਜਿਸ ਭਾਈ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨਕੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਰੋਮਾ ਵੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਸਾਥ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਬੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਕੈਸੇ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਪਲਵਸ਼ਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇਂ ਆਪਕੀ ਅੰਮੀ ਕੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਪਲਵਸ਼ਾ ਜੀ ਹਿਨਾ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇਂ ਪਲੀਜ਼
आज कल आज की पकाया प्लीज कैनेडा कमिंग ओल्ड इज गुड. पहले इंसान बहुत अच्छे होते थे. जी जी बहुत अच्छे होते सन पहले इंसान. आपने सारी बहनें बहुत ही प्यारी हैं माशाल्लाह. जी जी आई एम सोबिया पलवशा जी मेरे चैनल का नाम लें लाहौर. नहीं अब नहीं मैंने बस जो मैंने मिल गया ठीक है. मैं पीछे नहीं भजना चीज़ों दे क्योंकि ना मैं इन्ना ज़्यादा नहीं फिर सकती. मैं आराम आराम से चीज़ें देखती हूँ आराम से लेती हूँ और जो किस्मत में है वो मिल जाने. अभी पागलों तरह एक दुकान चो दूजी दूजी तो तीजी मैं ये कर ही नहीं सकती. अभी टाइम है मैं वहाँ जा कर देख लूँगी. लव यू टू अबू जी. पलवशा आप ही मेरे चैनल का नाम लें. आप के भाई की डेथ कैसे हुई जी? कैसे डेथ होती है? इंसान बीमार होता है किसी तकलीफ में होता है तभी होती है ना. तो बस ऐसे ही हुई. तो आप पूछ के फिर उस उन जख्मों को हरा मत किया करें. और जब किसी का वक्त पूरा हो जाए तो बस तब वो बंदा अल्लाह के पास चले जाता है. बाजार कैसी हैं पलवशा जी? डिड आप बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी हैं. अच्छा पलवशा आपी फैसलाबाद से शॉपिंग करें. कितने कितने मसला शॉपिंग करने का नहीं है. मसला ये है कि जाना कैसे है किधर नाल जाना है मसला है. आपकी तबीयत कैसी है? पाकिस्तान के फैसलाबाद से शॉपिंग करें जी. देखेंगे. रिस्पेक्ट फॉर ऑल सिस्टर्स जी. बहुत शुक्रिया. हम कोई भी फरिश्ता नहीं है. इंसान सबसे गलतियां हो जाती हैं. कोई मजाक में किसी को कुछ कह रहा हो कोई वैसे कर रहा हो. लेकिन बात यह है कि हम लोग आपके सामने हैं इसलिए कई लोग बात पकड़ लेते हैं जी. आपने ऐसे कहा आपने वैसे कहा. जैसे सना के ही मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए वीडियो के नीचे जिसमें हमने कहा कि भाई साहिबा जाना नहीं चाह रही थी. यहाँ साहिबा ने खुद भी कहा वो नहीं जाना चाहती. लेकिन बहुत सारे कमेंट्स थे जिसमें ये कहा गया कि जी सना फरे कि ना कि उन्हें भैड़ा रख दिए जड़ा वो जाना नहीं चाहती. तो मैं आपको ये बता दूं कि सना के पास साहिबा कभी कभार आती है. सना मोस्टली अपना काम खुद ही करती है और वो शुरू से खुद ही करती है. कभी ज़रूरत ज़्यादा होगी तो आ जाती है. इसके अलावा साहिबा और बहुत सारी जगहों पर काम करती है और उसका मतलब होता है दूसरे लोगों के बारे में जिनकी वो बात कर रही हो. तो इत्थे मैसेज करने वाले ने वो कुछ लिख छड़िया तो आप लोगों ने वो नहीं देखा जिसमें सना ने साहिबा का सारा उम्रे की तैयारी करवाई उसको भेजा फंड्स इकट्ठे किए. फिर उसके घर में कोई मसला हो कंस्ट्रक्शन का साहिबा का अपना सेहत के हवाले से वो सारा सना ही देखती है उसकी हेल्प करती है. और वो अपने मुंह से कहती है कि भाई सना बाजी वर्गा कोई नहीं मेरे नाल. तो इसलिए आप इतना जजमेंटल मत हुआ करें और इससे ना दूसरे इंसान का दिल ख़राब हो जाता है. आई विल कुड इनवाइट यू इस्लामाबाद. टेक केयर ऑफ यू. हाँ जी इस्लामाबाद किस तरह आए कैसे आए इस्लामाबाद? हमें मैं अबू को आपको अबू जी दिखाती हूँ. अबू जी जो है ना आ गए अब तैयार हो के कपड़े चेंज करवाए हैं उनके. रेडी हो गए हैं सब हैं? वाह जी वाह बड़ा अच्छा पहना है सूट हैं? सूट वधिया है जूते भी वधिया हैं सब ठीक है फर्स्ट क्लास. बात सुनाए कोई अच्छी सी. रोमा लेके आई है तो टोपी कौन लेके आया है? इधर की है. अच्छा अस्सलाम वालेकुम. सब कुछ इधर का है. चलें जी फिर ठीक है. मिस रोमा माशाल्लाह बुजी हैं फ्लीट शानदार है ना. चलो सही है जी. सर्दियों में यही होते हैं मेरे तो खैर. दिखाओ ये है? बच्चियां नू इन्हां नू पॉकेट मनी मिलती है ना. रोमा इन्हां नू देंदी है इन्हां दे अपने खर्चन वास्ते. त
थोड़े थोड़े पैसे ये इन्होंने जमा किए ने, ये हुण लैणगे अपने वास्ते कुछ। आपकी अम्मी की डेथ हुई और वो कब इंग्लैंड आए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। है पर्स वेखा नाल आहो पर्स है जी। आपका आपने कब यूके जाना है जी? मेरे अब्बू नू पुछो, लोग मैंने पूछते पे ने आपने यूके कब वापस जाना है? उन्होंने लगता मैं बहुत देर दी आई हूँ वापस जावा। हाँ अभी नहीं जाऊंगी दे। आहो आहो चलो चलो नात सुना दो, नात सुनाओ वधिया जी। केड़ी याद जे? मैं लजपाल जी। वाह देखिए माशाल्लाह अब्बू जी की कितनी अच्छी आवाज़ है। और तो जरा एक होर सुनाते होंगे सो मुहम्मद के गुलामों का। चलो कोई गल सही है ठीक है। आपके अब्बू जी कब आएंगे? कब आना है यूके जी? बस अब्बू जी के लिए दुआ करें जो अब्बू के जो जो योर फादर हेल्थ कहते ने तुहाडे अब्बू जी की सेहत सोहनी हो गई है। अब्बू जी की सेहत सारे कहते पहले सोहनी हो गई है हुण जदों दी अब्बू जी दियां धीआं आईआं ने। है ते होर की पलवशा जी बेस्ट ब्लॉगिंग। हाँ आज पहली बार आपको लाइव कैच कर लिया। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। लोग कहते पे अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। हाँ सबको वालेकुम अस्सल। हाँ माशाल्लाह बहुत फ्रेश और अच्छी नेचर के हैं अंकल जी। कहते ने अंकल जी बड़े वधिया ने। अंकल जी की आदत बड़ी चंगी है। बट साहब का मुतालबा मेरी बेटियां वापस करो। हाँ जी जी हाँ अबू कहते ने अल्लाह खुश रखे अल्लाह सलामत रखे। रिगार्ड्स टू योर अबू जी। जी जी थैंक यू शुक्रिया। सब अच्छी हैं जी बेटियां बहुत अच्छी हैं। अपल बशा अबू जी को मेरा सलाम भाई। हमारे अब्बू जी ने कभी बेटियों के होने पर कभी ऐसे नहीं कहा था कि बेटी क्यों हो गई है। खुश हुंदे सन। नहीं कर दी तेरे वाल अब्बू जी सुबह शाम नमाज तू तू जो अंदरों टपदी बाहर आई है। कैसे लग रहे कपड़े पूजी? बड़े वधिया लगदे पे ने। अब्बू नु वेना तेरा है अब्बू को हर बात पे कपड़े नहीं 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 तुम भी ऐसे कटे चलाते हो चलें जी ठीक है इजाजत दें हमें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग में। टिल देन याद रखें हम सबको दुआओं में और आपको मिलेंगे फिर किसी और वीडियो। ओके जी अल्लाह हाफिज़।